सो हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे होंगे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, एरे के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम लोग स्ट्रिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई पार्टिकुलर वीडियो चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको पढ़ना है तो उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कॉमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने स्ट्रिंग अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए एक बार, और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा है स्ट्रिंग के बारे में तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेप्ट अ नेम एंड प्रिंट इट इन रिवर्स फॉर्म। तो एक स्ट्रिंग लेना है या फिर एक वर्ड लेना है, उसको रिवर्स करके हमें प्रिंट करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसकी जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन मोस्टली हम प्रोग्राम्स यूज करते हैं। ये हमारा क्लास है, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग, क्लास का नेम स्ट्रिंग है, और है हमारे पास मेन फंक्शन जिसके अंदर हम सारे वर्क करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेनी है। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग इसका नेम दे सकते हैं, एस टी आर दे सकते हैं। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, तो इसको कैपिटल कर देते हैं। स्ट्रिंग एसटीआर में अभी हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड ले लेते हैं कंप्यूटर। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ यूजर, जो मैंने ऑलरेडी बताया है बाकी चैप्टर्स में, एरे क्वेश्चन में कि कैसे इनपुट लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से इनपुट ले लेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करके स्ट्रिंग के लिए। अभी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लिया, ये स्ट्रिंग ले लिया, अब इसको हमें रिवर्स प्रिंट करना है। तो रिवर्स प्रिंट कैसे करेंगे, हम एक लूप लेंगे और लूप को रिवर्स स्टार्ट करेंगे। रिवर्स मतलब कि आर से स्टार्ट करेंगे, आर से लेकर के, यहाँ पर आर है ना इस वर्ड में कंप्यूटर में, आर से लेकर के सी तक जाएंगे, उल्टा चलेंगे, और एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग टाइप का ही, उसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग रिवर्स, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रिवर्स स्टोर करेंगे। अभी इसमें क्या है, अभी ये खाली स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पेस इसके अंदर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लूप स्टार्ट करते हैं। तो लूप क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, नहीं आई इज इक्वल टू, हमको आर से स्टार्ट करना है। आर के लिए क्या करेंगे हम, एस टी आर डॉट लेंथ लेंथ माइनस वन कर देंगे। तो स्ट्रिंग की लेंथ माइनस वन, यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, कंप्यूटर की लेंथ कितनी है, 8 लेंथ है, और आर का पोजीशन क्या होगा, 8 माइनस वन 7, तो 7 से स्टार्ट होगा। और कंडीशन क्या रहेगी कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो हो एंड आई माइनस माइनस होता रहे। तो ये हमारा लूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, लूप के अंदर हमको क्या करना है, रिवर्स में ऐड करते जाना है, एक एक करके कैरेक्टर रिवर्स में स्टोर करते जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस एस टी आर डॉट कैर एट आई। तो एक एक करके आई में जो जो कैरेक्टर आता रहेगा वो रिवर्स में ऐड होता रहेगा। सबसे पहले एस टी आर डॉट कैर एट आई मतलब क्या हुआ, एस टी आर के आई यानी 7 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो रिवर्स में ऐड हो जाए। फिर ये लूप 7 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, ऐसे करते करते 0 तक चलेगा, और कंप्यूटर के सारे वर्ड्स रिवर्स में आ जाएंगे बट अपोजिट में आएंगे। सबसे पहले आर आएगा, फिर ई आएगा, ऐसे करते हुए आएगा। ये लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग को। तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड विद द मैसेज रिवर्स रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग कहां पर स्टोर है, रिवर्स वेरिएबल में। बस हमारा कंप्लीट हो गया ये प्रोग्राम। हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर ई टी यू पी एम ओ सी, जो कि कंप्यूटर का रिवर्स है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नेम। सो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नेम
देन डिस्प्ले द ASCII वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर प्रेजेंट इन दैट नेम। ठीक है, जितना भी जितनी भी ASCII जितने सपोज कंप्यूटर ही था, सपोज इस बार भी हम कंप्यूटर ले लेंगे, तो कंप्यूटर वर्ड है हमें C का ASCII वैल्यू, फिर O का ASCII वैल्यू ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, C उसके बाद C की ASCII वैल्यू क्या है, O O की ASCII वैल्यू क्या है, ऐसे करते हुए एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलो उसको करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, इस बार भी कंप्यूटर ही ले लेते हैं, अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि कभी भी ASCII वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, बस उस वर्ड के आगे int लगा देते हैं। जैसे कि हमने कन्वर्जन में पढ़ा था कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, सपोज अगर सी है, सी क्या गया, इसमें मैंने ब्रैकेट में इंट लिख दिया तो क्या होता है, सी की ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाती है, तो उसे यूज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे क्योंकि एक एक करके चाहिए, इस बार हम रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि हमको स्टार्ट से सी से शुरू करना है, आर तक जाना है, एंड आई इज लेस देन str डॉट लेंथ कर देंगे एंड i प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर ले लेंगे कैर सी एच, जिसमें हम सबसे पहला कैरेक्टर ले लेंगे str डॉट कैर एट i, i के वैल्यू जीरो, सबसे पहला कैरेक्टर कैर में आ जाएगा। हमको कैरेक्टर भी प्रिंट करना है और कैरेक्टर की जो इंट वैल्यू है उसको भी प्रिंट करना है, तो करते हैं हम डायरेक्ट प्रिंट लाइन में लिख देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर किसमें है, कैरेक्टर हमारा सीएच में है तो सीएच को प्रिंट कर देंगे, प्लस थोड़ा सा गैप देंगे और हमको उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम ब्रैकेट में इंट लिख देंगे और फिर से सीएच लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, उस सीएच की ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब रन कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, सी सी की ASCII वैल्यू क्या है 67, ओ ओ की ASCII वैल्यू 79, एम एम की ASCII वैल्यू 77, इसी तरीके से पूरा आर तक आ गया। कैसे किया हमने, सबसे पहले एक कैरेक्टर को निकालते हैं एक एक करके, उसके बाद कैरेक्टर और कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू है उसे मैंने एक साथ प्रिंट लाइन में डाल दिया और वो अपने आप प्रिंट होती है। सो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ वर्ड, प्रिंट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वॉवेल अकरिंग इन द वर्ड, इफ देयर इज नो वॉवेल प्रिंट सॉरी नो वॉवेल। तो एक वर्ड लेना है और जहां पर उसका फर्स्ट वॉवेल आ जाए हमको बताना है कि वो पोजीशन बतानी है, और फिर अगर कोई भी वॉवेल नहीं है पूरे वर्ड में तो हमको क्या प्रिंट करना है, सॉरी नो वॉवेल। तो स्टार्ट करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही है, थोड़े से चेंजेस है। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे, तो एक स्ट्रिंग ले लिया एंड इसको सेम ही रखते हैं कंप्यूटर एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप स्टार्ट करेंगे। जो कि str डॉट लेंथ तक चलेगा एंड i प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, लूप जब स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब कि पहला कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं, तो पहला एक कैरेक्टर ले लेंगे जो कि होगा str डॉट कैर एट i इंडेक्स, i इंडेक्स का कैरेक्टर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस कैरेक्टर को हम चेक करेंगे क्या वो वॉवेल है, तो कैसे होगा वॉवेल, इफ सी एच इज इक्वल टू ए, वॉवेल होता है या तो ए होगा और या फिर सी एच इज इक्वल टू ई, या तो ई होगा, वॉवेल कितने होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ऐसे एक एक करके हम और लगाते लगाते सेम इसी तरह आई पर करेंगे
AEIOU इन सबको डबल सिंगल कोट्स में रखेंगे, जो कैरेक्टर है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो कैरेक्टर वॉवेल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको ये मिलेगा हम प्रिंट कर देंगे। हम क्या प्रिंट करेंगे, वॉवेल फाउंड एट जो भी आई का इंडेक्स हो उस टाइम पर, आई आई इंडेक्स पर फाउंड हुआ। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे स्टार्टिंग में ही, इंट फ्लैग, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू जीरो रहेगी, ठीक है। और अगर हमें वॉवेल मिल गया तो इफ के अंदर क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को वन कर देंगे। मतलब कि अगर वॉवेल मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। अगर वॉवेल मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी, और अगर नहीं मिला तो फ्लैग की वैल्यू जीरो ही रहेगी। इफ के अंदर तभी आएगा ना जब वॉवेल मिलेगा, और वॉवेल मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी। तो हम लूप के बाहर क्या करेंगे, हम लूप के बाहर एक इफ लगाएंगे, इफ अगर फ्लैग जीरो है, अगर फ्लैग जीरो है इसका मतलब वॉवेल नहीं मिला, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, वॉवेल नॉट फाउंड। तो फ्लैग का काम क्या था, सिर्फ ये पता करना वॉवेल मिला या नहीं मिला। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। एक काम और करेंगे, जैसे हमें वॉवेल मिलेगा हम ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे ही हमें वॉवेल मिलेगा हम फ्लैग के नीचे ब्रेक लिख देंगे, ताकि सिर्फ पहला ही वॉवेल मिले और उसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाए। ब्रेक का काम क्या होता है, लूप को बंद कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं। ये देखो, वॉवेल फाउंड एट वन, कंप्यूटर में वन इंडेक्स पर हमारा वॉवेल मिलता है। सपोज अगर हम एक ऐसा वर्ड रखते जिसमें वॉवेल ही नहीं है, तो वर्ड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज टी वाई आर एच जे, ऐसा कोई वर्ड है, टी वाई आर एच जे ऐसा कोई वर्ड है। अब हम रन करेंगे। ये देखो, वॉवेल नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई वर्ड रहेगा जिसमें वॉवेल नहीं है, तो आ जाएगा वॉवेल नॉट फाउंड। और यहां पर कंडीशन में मैंने कितनी कंडीशंस लगाई है, और ए ई आई ओ यू, अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसमें स्मॉल लेटर्स भी हैं, तो आगे कंडीशंस और बढ़ जाएंगी। कौन सी कंडीशन बढ़ जाएंगी, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ एंड स्मॉल यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी वर्ड एंड चेक वेदर द वर्ड इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो एक वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं वो बताना। तो पैलिंड्रोम वर्ड क्या होता है, जो कि हम स्टार्ट से पढ़ें या फिर रिवर्स में पढ़ें, दोनों सेम होता है। सपोज एक वर्ड है रोटेटर, तो रोटेटर को इस साइड से पढ़ो चाहे इस साइड से पढ़ो, दोनों सेम होता है, रोटेटर ही होता है। सपोज डीड वर्ड है, तो डी ई ई डी एंड डी ई ई डी, यानी रिवर्स एंड ओरिजिनल वर्ड दोनों सेम होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, राइट एंड एक्सेप्ट एन इंप्रिंटेड इन रिवर्स फॉर्म, सिमिलर क्वेश्चन ये भी है। हम रिवर्स करेंगे, उसके बाद सिर्फ एक इफ यूज करके चेक करेंगे कि रिवर्स और ओरिजिनल इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल होता है तो क्या होगा, तो पैलिंड्रोम होगा, तो प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम, नहीं तो कर देंगे कि नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, रोटेटर ही ले लेते हैं, इसी को चेक करेंगे क्या ये है या नहीं। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, एंड फिर एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से आप यूजर से भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप स्टार्ट करेंगे जो कि स्टार्ट होगा, जो कि रिवर्स चलेगा, क्योंकि हमको इस स्ट्रिंग का एक रिवर्स वर्ड चाहिए। तो आई स्टार कहां से होगा, str डॉट लेंथ माइनस वन से, एंड आई का कब तक चलेगा, जीरो तक चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड आई माइनस माइनस होता रहेगा। तो ये लूप हो गया हमारा, फॉर लूप होगा,
और हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कहाँ करेंगे, इसका रिवर्स एक दूसरा वेरिएबल रहेगा, रिवर्स जिसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक कैरेक्टर निकालेंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी एसटीआर उसका लास्ट कैरेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, एसटीआर डॉट कैर एट आई का यूज करके। आई में क्या है, आई में इस लेंथ की रोटेटर जो लेंथ है उसका लास्ट इंडेक्स है, माइनस वन कर दिया तो लास्ट इंडेक्स आ गया। तो कैर सी एच में क्या होगा, लास्ट वर्ड आएगा जो कि स्ट्रिंग एसटीआर का है। ठीक है, हमको लास्ट वर्ड मिल गया, इसको ऐड कहां करेंगे, इसको रिवर्स में ऐड कर देंगे, रिवर्स इज इक्वल टू। तो हम एक एक करके रिवर्स में एक एक कैरेक्टर ऐड करते रहेंगे, और कैरेक्टर कहां से उठाएंगे, स्ट्रिंग में पीछे से उठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन में मैं बता चुका हूं, तो यहां से हमारा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इफ लगाएंगे और उसमें होगा कि एस टी आर डॉट इक्वल्स, अगर एस टी आर जो है वो रिवर्स के इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा वर्ड पैलिंड्रोम होगा। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी, तो हम एक एल्स लगा देंगे, एल्स else string is not palindrome। अभी क्लियर, बस सिंपल क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आउटपुट आ गया, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। हम क्या करते हैं, वर्ड को थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर हम रोटेटर की जगह कंप्यूटर डाल दें। अब हम अगर रन करेंगे, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम आ गया, क्योंकि कंप्यूटर एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वो भी जल्दी अपलोड होगा। तब तक पढ़ाई करते रहें। अगर आपको कोई पार्टिकुलर वीडियो चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।